नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जयंती मनाई गई। मंडल कमीशन पर निर्णय लेने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय के प्रखर नेता विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जयंती धूमधाम शनिवार को बेगूसराय शहर के नरंगा पुल स्थित डॉक्टर लोहिया कर्पूरी आश्रम सह जिला राजद जिला कार्यालय के जिला अध्यक्ष मोहित यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। जयंती समारोह में जिले भर के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उपस्थित राजद के सभी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के तौल्य चित्र पर पुष्प और माला अर्पित करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा नहीं फकीर थे, भारत का तकरीर थे। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन के महानायक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह व्यक्तिगत तौर पर बेहद निर्मल स्वभाव के थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनका छवि एक मजबूत और सामाजिक राजनीतिक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके देश में वंचित समुदाय की शासन सत्ता में हिस्सेदारी पर मुहर लगा दी है। मंडल कमीशन की सिफारिश से फायदा ओबीसी वर्गों व सरकारी सेवा में 70% कोटा आरक्षित हुआ। यह भारत देश के लिए और ओबीसी वर्गों के लिए उदय का दिन था। मौके पर महानगर जिला अध्यक्ष शिवजी महतो, जिला महासचिव मोहम्मद मकबूल आलम, किसान सेल के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार, जिला सचिव कामदेव यादव, शिक्षक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गुलाब चौधरी, भंगी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मनोहर राउत के अलावे भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तिगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।